इंस्टाग्राम वालों ने एक नया अपडेट ला चुका है, जहां पे अगर आप इंस्टाग्राम पे 50 भी फॉलोअर है तब भी आप कुछ इस तरह का इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे कि आपको पता है इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक लेने के लिए 699 यानी कि 699 रुपये आपको पे करना होगा, पर यहाँ पे जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसे यूज करके आप बिल्कुल फ्री में इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक ले सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपका जो अकाउंट होगा इसे आपको ओपन कर लेना। जिससे आप यहाँ पे ओपन करते हो यहाँ पे आपको टोटल दो ऑप्शन मिलेगा, एक शेयर प्रोफाइल का और दूसरा एडिट प्रोफाइल का। पर अगर आपके अकाउंट में कुछ इस तरह का प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं आ रहा, भाई आप इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक कभी नहीं ले पाओगे। तो इससे आपको किस तरह से लाना है, उसके लिए आपको सिंपली 3 लाइन पे क्लिक करना, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना। यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये मेरा जो अकाउंट है इसको मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ, पर्सनल कर लेता हूँ, जो कि आप सभी का अकाउंट उसी तरह का है। जैसे कि देखो यहाँ पे भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड लाने के लिए आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट टाइप्स एंड टूल का। गाइस जैसे आप यहाँ पे अकाउंट टाइप एंड टूल पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पे क्लिक करना, फिर आपको कंटिन्यू करते जाना 4 बार। और जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो आप इंस्टाग्राम पे वीडियो, फोटो या फिर कोई रील अपलोड करते हो वो किस कैटेगरी में पड़ता है। मानो कि अगर आप कॉमेडी बनाते हो तो यहाँ से आप सिंपली इंटरटेनमेंट या फिर कोई कॉमेडी सर्च कर सकते हो। पर इसी तरह से मानो कि अगर आप कोई वीडियो क्रिएटर हो तो यहाँ पे आप वीडियो चूज कर सकते हो, जैसे कि वीडियो मैंने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल का, इसे आपको ऑन कर देना, डॉन पे क्लिक करना। और जिससे आप यहाँ पे डॉन पे क्लिक करोगे भाई जितने सारे नए क्रिएटर होते हैं सभी यहीं पे गलती करता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएटर का और एक बिजनेस का। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सोच रहता है कि अगर मैं यहाँ पे बिजनेस चूज करूँ तो मुझे इंस्टाग्राम वालों पैसा देगा या फिर जो मेरा अकाउंट है वहाँ से मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं। अगर आप क्रिएटर हो, अपना खुद का वीडियो अपलोड करते हो या फिर कहीं से रील अपलोड करते हो तो यहाँ पे आपको क्रिएटर ही चूज करना। पर अगर आपका शॉप है या फिर कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस है तो यहाँ पे आप बिजनेस चूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएटर चूज करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना और नीचे आपको नॉट नाउ पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे प्रोफेशनल बन चुका है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड बन चुका है, ठीक है। तो गाइस इतना कुछ करने के बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आप इंस्टाग्राम के लिए ब्लू टिक के लिए अप्लाई किस तरह से कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना। जिससे आप यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाते हो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे एलिजिबल है या फिर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई गलती या फिर कोई वायलेशन तो नहीं किए हो। उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट स्टेटस में जाना। अकाउंट स्टेटस में जाते ही यहाँ पे देखो अगर आपका यहाँ पे 4 टिक आ रहा है तो यह इसका मतलब यह है कि आपका जो अकाउंट है बिल्कुल ही फ्रेश है। पर मानो कि अगर आपके इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह का मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में जाते हो, कुछ इस तरह का मानो कि आई बना है या फिर यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, जैसे कि इस तरह से लिखा है कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, तब भी इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। वीडियो के बीच में ही मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि इससे आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किस तरह से कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस अभी आपको करना क्या है कि देखो यहाँ पे ब्लू टिक के लिए अप्लाई करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाते ही जैसे आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प का, आपको यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करना। हेल्प पे क्लिक करते ही गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का, आपको यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करना। यहाँ पे मैं आपको टोटल 2 तरीका बताने वाला हूँ ब्लू टिक किस तरह से लेना है, ठीक है। पहला है उतना काम नहीं करता, फिर भी आप देखना कभी कभी काम भी कर देता है। जिससे आप यहाँ पे एक अलाउ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर तो यहाँ पे क्या बता रहे कि ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड और व्हाट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि मैंने एक इंस्टाग्राम के लिए लिखा था कुछ इस तरह का, इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट करना। उससे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आपको यहाँ पे 3 लाइन में जाना, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना, हेल्प में चले जाना और यहाँ से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना। और गाइस जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सबसे पहले तो जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिए थे इससे आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा इससे आपको सेंड कर देना। अगर आपको ये टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम के सर्च वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पे आपको सिंपली karan_yadav कुछ इस तरह से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करना और ये जो अकाउंट आपको मिलेगा इससे आपको फॉलो करना और फिर आपको मैसेज करना है कि इंस्टाग्राम ब्लू टिक, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको ब्लू टिक दे दूंगा, जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दे दूंगा। और दूसरा तरीका यहाँ पे इंस्टाग्राम ब्लू टिक लेने के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना, सर्च में जाना और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है वेरिफिकेशन। जिससे आप यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक कर तो एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का। रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि ब्लू टिक लेना, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपका जो नाम होगा, फुल नेम, डॉक्यूमेंट वगैरह जो डॉक्यूमेंट आपको मांगेगा जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड, कुछ भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। आपका जो नाम वगैरह होगा, कैटेगरी, कंट्री, ऑडियंस, लिंक वगैरह एक डाल देना और सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना। 24 से 48 घंटा वेट करना। अगर आपके इंस्टाग्राम ब्लू टिक के लिए एलिजिबल है, आपके इंस्टाग्राम पे कोई वायलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको 100% ब्लू टिक मिलेगा। पर अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम वालों से मैसेज आएगा कि आपको इंस्टाग्राम को ब्लू टिक नहीं मिलेगा। तो गाइस